हे एवरीवन, आज मैं एक राखी आउटफिट बनाने वाली हूँ जो मैंने 2 ईयर बेबी के लिए बनाया है, जिसमें मैंने अफ़गानी सलवार और बहुत ही प्यारा सा आलिया कट कुर्ती बनाया हुआ है। सो ये वीडियो 2 हिस्सों में आएगी। आज मैं आपको सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, इसकी नेक्स्ट पार्ट में आपको इसकी जो ये कुर्ती है ना उसकी कटिंग और स्टिचिंग देखने को मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी होगी ना कुर्ती की, तो उसकी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वीडियो के एंड में भी मैं लिंक डाल दूँगी। तो होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमारी ड्रेस की मेज़रमेंट है, और इसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया हुआ है ना, चंदेरी में लिया है टॉप पार्ट के लिए, और ये हमारा अस्तर है, दोनों हमने लगभग 1 मीटर करके लिया है। और जो मैंने पैजामे के लिए फैब्रिक लिया है ना, वो आपका इजीली 70-80 सेंटीमीटर में बन जाएगा, और ये मैंने सैंतून लिया हुआ है पैजामे के लिए, ठीक है। तो इससे मैंने ना एक पीस कट करके रखा है, और यहाँ पर इसे मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। लेंथ वाइज यहाँ पर मैंने इसे 20 इंचेस लगभग रखा है, ठीक है। ऊपर से हमें 2 इंच लेस करना है, क्योंकि वहाँ हमारा बेल्ट लग जाएगा, और नीचे हमारा 2 इंच का जो मोहरी लगेगा, इससे ये 20 इंचेस का बन के रेडी होगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी टोटल चौड़ाई जो है वो 10 इंचेस की है। मैं यहाँ पे 9 इंचेस मार्क कर रही हूँ वेस्ट के लिए, क्योंकि इसमें चून बढ़ने वाला है। और यहाँ से हम अपनी जो क्रॉच एरिया है उसके लिए मार्क करेंगे 7.5 इंच। वेस्ट आपका जितना होता है उसे 4 से डिवाइड करके उसमें आप 2 से 2.5 इंच बढ़ा करके क्रॉच एरिया की इजिली मार्किंग कर सकते हैं। और नीचे भी मैं 9 इंच की मार्किंग ले रही हूँ, क्योंकि नीचे भी हमें चून देना है इसमें। तो मार्क करके ऊपर क्रॉच एरिया तक इस तरह से मिला लेना है, और ऊपर जो हमने बेल्ट मार्क किया था ना, वो लाइन को ऊपर तक इस तरह से मिला लेना है, और बस इसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो बस बहुत ही इजी है इस सलवार की कटिंग करना। ये देखिए कटिंग हो चुकी है, अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे पहले हम जो क्रॉच एरिया हमने कट किया ना उसकी कटिंग कर ले सॉरी सिलाई कर लेते हैं। सो दोनों साइड की मोहरी की सिलाई कर ली है मैंने। अब हम नीचे की प्लीट्स लगा लेंगे, और इसके लिए मैंने जो मोहरी कट करके रखा है ना, यहाँ पे मैंने ले लिया है इसे, और ये 2 इंचेस का है, मीन्स 2 फोल्ड में है, टोटल 4 इंचेस का है, ठीक है। और इसके बाद इधर से ये चौड़ाई वाइज मैंने 10 इंचेस रखा है, और जब ये सिलाई होगा तो 4.5 इंच हो जाएगा, मीन्स सिलने के बाद 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा। अब हमें नीचे की साइड को पहले उल्टे साइड से लेना है, और ये जो हमने मोरी कट की है ना, इसे पहले अंदर की साइड रखना है। तो चलिए इसे सेट करते हैं, और मैं इसमें डायरेक्ट प्लीट बनाने वाली हूँ। आप अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं बना सकते तो पहले आप प्लीट रेडी कर लीजिए, और उसके बाद उसमें मोरी अटैच कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने इसमें डायरेक्ट प्लीट बनाना स्टार्ट कर दिया है, छोटी छोटी प्लीट्स रेडी करनी है हमें यहाँ पर। तो ये देखिए मैंने एक साइड से प्लीट इसमें अच्छे से लगा लिया है। अब मोहरी को खोल करके और इसे हम सीधे साइड से पलट लेंगे इस तरह से, और जो सिलाई की है ना उसी के ऊपर इसे बैठाते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई दे देनी है। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई देने के बाद एक सिलाई मैं यहाँ पे नीचे की साइड से दे दे रही हूँ, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। आप चाहे तो इसमें बुकरम यूज़ कर सकते हैं, बट ये मैं बेबी के लिए बना रही हूँ इसलिए इसमें बुकरम यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा कड़ा होता है इसलिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसकी सिलाई कर ली है, और दूसरे वाले जो हमारे पैर की मोहरी है उसे भी हम सेम ऐसे ही रेडी कर लेते हैं।
सो दोनों साइड की मोहरी को रेडी कर लेने के बाद एक्स्ट्रा अच्छे से कपड़े को कट कर लेने के बाद हमें क्या करना है, सेंटर की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से इसे सेट करना है, क्रॉच एरिया की जो सेंटर है ना वो अच्छे से मिला करके यहाँ पे हम एक एंड से स्टार्ट करेंगे, दूसरे एंड तक हम इसे अच्छे से सिलाई कर लेंगे। आप यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई कीजिएगा। सो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे इसकी सिलाई कर ली है और अब हमारा बारी है बेल्ट तैयार करने का। तो बेल्ट में इलास्टिक लगने वाला है, तो पहले हमने जो मार्किंग लिया ना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे ना ये 19 इंचेस का रेडी होगा क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में चला गया है। नीचे हमने जो मोहरी ली थी ना वो हमने लिया था टोटल 4 इंचेस का, तो हाफ इंच सिलाई में चला गया था। बट मैंने जो मार्जिन लिया है ना वो मैंने 1 से 2 इंच हमेशा मैं क्या करती हूँ बढ़ा करके लेती हूँ, तो ये मेरा छोटा नहीं होगा। आप भी ऐसे ही कीजिएगा, कभी भी सिलाई कीजिएगा ना तो एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलिएगा। लेंथ वाइज भी आप 1-2 इंच ज़्यादा बढ़ा के ले सकते हैं क्योंकि आप बड़ा को छोटा कर सकते हो, बट छोटा को बड़ा करना बहुत ही मुश्किल होता है, मीन उसमें जोड़ पड़ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे हमेशा 1 से 2 इंच ज़्यादा ले लेती हूँ फैब्रिक। तो इस तरह से ना हमें बेल्ट के अंदर की साइड से सिलाई कर लेनी होगी और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दिया है जिससे हम अपनी इलास्टिक को इसमें डाल सकें। सो हमारी वेस्ट राउंड कितनी थी 20 इंचेस, यहाँ पर मैंने 3 इंच लेस करके 17 इंचेस का इलास्टिक लिया हुआ है, कट कर लिया एक्स्ट्रा फैब्रिक को, मतलब एक्स्ट्रा इलास्टिक को, और पिन की हेल्प से ये जो हमारा बेल्ट है ना इसमें हम अपनी इलास्टिक को डालेंगे। अब दोनों साइड से हमने इलास्टिक को एक पे एक रख लेना है और यहाँ पे हम इसकी सिलाई कर लेंगे। सिलाई कर लेने के बाद इलास्टिक को अंदर करना है और जो हमने मार्जिन छोड़ा है वो मार्जिन को हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। क्योंकि मैंने बेल्ट को एकदम एग्जैक्ट अपने इलास्टिक के अकॉर्डिंग रखा है तो हमारा इलास्टिक यहाँ पर मुड़ेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर सेंटर पे इलास्टिक पे सिलाई नहीं दे रही हूँ। आप अगर लूज़ हल्का भी सिल रहे हो तो सेंटर पे इलास्टिक पे सिलाई ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो आपका इलास्टिक बार बार मुड़ेगा। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर करके मैंने यहाँ पे सिलाई कर लिया और इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए बराबर कर लेना है और एक बार अच्छे से स्पैन कर लीजिएगा, बस ये अफगानी सलवार आपका बन के रेडी हो जाएगा। सो इसकी जो कुर्ती है उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिल जाएगी, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।